अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या परिवर्तन आता है। तो क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि अम्लीय माध्यम है, पोटेशियम परमैंगनेट की जो है क्रिया होती है फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ, तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन आता है। तो इसमें परिवर्तन आता है कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है +7 से +2 में चेंज होती है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी इसकी +7 से +2 हो जाती है। नेक्स्ट है मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन संख्या क्या है। मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन संख्या है 6। नेक्स्ट है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये है +2। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +3। नेक्स्ट है Cl2O में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये है +1। नेक्स्ट है Na2S2O4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। यहाँ पर Na2S2O4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है, ये होती है +2। नेक्स्ट है जब एक ताम्रदंड बोले तो कॉपर रॉड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, ऐसा किस लिए होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिल्वर है कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित होता है, या फिर हम ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं कॉपर सिल्वर को आसानी से अपचयित कर देता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है तो कॉपर आसानी से Ag को अपचयित कर देता है। नेक्स्ट है एक पदार्थ जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व की ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है क्या कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक पदार्थ जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व की ऑक्सीडेशन संख्या को बढ़ाता है तो ऐसा पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक। नेक्स्ट है अवकरण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। अवकरण यानी कि रिडक्शन कैसा प्रोसेस है, यह है इलेक्ट्रॉन ग्राही। जब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है तो हमेशा रिडक्शन होता है, और जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तब हमेशा ऑक्सीकरण होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, यह कहलाती है ऑक्सीडेशन अथवा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह से संयोग करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और यहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो विद्युत धनात्मक तत्वों या समूह से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। विद्युत धनात्मक तत्वों या समूह से संयोग करने की क्रिया रिडक्शन यानी कि अवकरण कहलाती है। जब भी यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है विद्युत ऋणात्मक तत्व और इधर धनात्मक तत्व, ऋणात्मक तत्व से संयोग होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और धनात्मक तत्वों या समूह से संयोग होगा तो फिर अवकरण या रिडक्शन होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह के अनुपात में क्या अंतर पाया जाता है। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में अंतर क्या पड़ता है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में तत्व की संयोगता में क्या अंतर आता है। जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, और जब करण या रिडक्शन होता है तो तत्व की संयोजकता घट जाती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में वैलेंसी बढ़ जाती है और रिडक्शन प्रोसेस में वैलेंसी घट जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं, पहले तो वो अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट एक सामान्य अभिक्रिया में
आक्सीकरण और अवकरण में क्या संबंध होता है? जो एक सामान्य अभिक्रिया होती है तो जनरली उसमें जो है दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ये सामान्य अभिक्रिया की बात हो रही, सामान्य अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण में संबंध की बात करें तो दोनों एक साथ होते हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखें जो ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों हैं। ऐसे पदार्थ हैं H2O2 और NaNO2। नेक्स्ट, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी के बर्तन इसलिए काले पड़ जाते हैं क्योंकि उस पर सल्फर का लेप बन जाता है, क्योंकि सल्फर चांदी को अपचयित कर देता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, Fe+2 आयन की Fe+3 आयन में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर वैलेंसी बढ़ रही है, जब भी वैलेंसी बढ़ जाती है यहाँ पर +2 से +3 में चेंजेस आ रहा है, तो जब भी वैलेंसी बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जब वैलेंसी घटती है तो हमेशा रिडक्शन या फिर अवकरण होता है। नेक्स्ट है, हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? हाइपोक्लोरस अम्ल का फार्मूला होता है HClO और हाइपोक्लोरस अम्ल जो है जल में विलेय होता है, तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। नेक्स्ट है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है अथवा ऋणात्मक? OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। नेक्स्ट, सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? ये सभी को पता होगा, कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? ये भी पता होगा कि गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप होता है। नेक्स्ट, दो परस्पर संबंधित अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर प्राप्त संपूर्ण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर दो परस्पर संबंधित अर्ध अभिक्रियाएँ हैं, आधी आधी अभिक्रियाएं हैं, उनको जोड़ने पर प्राप्त संपूर्ण अभिक्रिया कहलाती है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन है, वह सेल, ऐसी सेल जिसमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है तो ऐसी सेल कहलाती है वैद्युत अपघटनी सेल। नेक्स्ट, वोल्टीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को सेट रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्टीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को सेट रखने के लिए साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन खोने या पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? कोई भी इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन खोता है या पाता है तो यह प्रवृत्ति कहलाती है इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? वो इसलिए खींच रहा है क्योंकि जो कुतुब मीनार का लौह स्तंभ है उस पर जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु एनोड के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? जस्ता एक ऐसी धातु है जो एनोड बनाने के लिए यूज नहीं की जाती है। ये थे हमारे 13 क्वेश्चन, और जो हमारी जो है साइंस स्पेशल में साइंस के 13 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, जो वन लाइनर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन कवर करते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। अभी जनरली जो है केमिस्ट्री की सीरीज़ है, फिर फिजिक्स और बायो की, पूरे तीनों सब्जेक्ट की सीरीज आपको प्रोवाइड होगी। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं जीके में, जीएस में, वो भी कवर किए जाएंगे। कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारे सब्जेक्ट, और करंट अफेयर्स के डेली 10 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिलते ही हैं। तो अगर चैनल अच्छा लगता है या चैनल अच्छा लगा है या फिर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर दिया करें, और अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक्स।